नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस्त्र में। भारत और रूस की दोस्ती को विश्व में कौन नहीं जानता। आज भी भारत रूस के सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत अमेरिका, इसराइल और फ्रांस के साथ रक्षा सौदे कर रहा है, जिसके चलते रूस ने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ भी झुका दिया है। वो पाकिस्तान के साथ कई रक्षा सौदों के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है। इस बात का उदाहरण है कि रूस के विदेश मंत्री की 9 साल में पहली बार पाकिस्तान की यात्रा, जो भारत के लिए एक टेंशन का विषय बन रही है। और साथ ही आप ये भी समझ सकते हैं कि रूस अब वो रूस नहीं रह गया जो भारत के साथ बड़े भाई की तरह हमेशा खड़ा रहता था। पाकिस्तान की तरफ रूस की दोस्ती का मतलब साफ है कि रूस अब केवल अपना हित देख रहा है, उसे भारत के साथ कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर ऐसा होता तो वो पाकिस्तान के साथ कतई कोई भी रक्षा समझौते ना करता। अब तो वो खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करने लगा है। भारत आने के बाद रूस के विदेश मंत्री सीधा पाकिस्तान पहुंचे हैं और इस दौरे पर भारत की निगाहें भी लगी है। यही नहीं, इस्लामाबाद में रूसी विदेश मंत्री और उनके पाकिस्तानी समकक्ष के बीच हुई बातचीत ने भारत के लिए टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने जहां आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की हौसला अफजाई से लेकर उसे विशेष सैनिक साजो सामान देने पर भरोसा दिया है, वहीं पाकिस्तानी फौज के साथ साझा युद्धाभ्यास बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, रूस ने पाकिस्तान के साथ परमाणु सहयोग का दरवाजा भी खोल दिया है। इस्लामाबाद में रूस और पाकिस्तान दोनों की तरफ से रिश्ते में नई गर्मजोशी देखने की कवायद साफ नजर आ रही है। हवाई अड्डे पर रूस के विदेश मंत्री का स्वागत के लिए खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे। पाकिस्तान की तरफ से मेजबानी में गर्मजोशी की नुमाइश दिखाई गई, तो वहीं रूस ने भी रिश्तों की कड़वाहट का संदेश साफ किया है। रूस के विदेश मंत्री ने 3 साल पहले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में पाकिस्तान के शामिल होने के बाद आतंकवाद निरोध कार्रवाई में सक्रियता को लेकर उसकी तारीफ की है। इतना ही नहीं, रूस ने पाकिस्तान के साथ आतंकवाद निरोध सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष सैन्य उपकरण देने की घोषणा की है। साथ ही पर्वतीय इलाकों और समंदर में पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास में रूस की दिलचस्पी का ऐलान भी किया गया है। रूस पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप और अरेबियन मानसून नामक अभ्यास भी करना चाहता है। जाहिर है कि रूस और पाकिस्तान के बीच सैन्य स्तर पर बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है। रूस बीते 5 सालों के दौरान पाकिस्तान को जहां MI-35M युद्धक हेलीकॉप्टर दे चुका है, तो वहीं उसके साथ सैन्य अभ्यास का सिलसिला भी उसने बढ़ाया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य नेताओं के दौरे भी बढ़े हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस पारंपरिक तौर पर भारत का सैन्य साझेदार रहा है। भारतीय रक्षा सेनाओं के पास अब भी अधिकतर रूसी हथियार है। साथ ही नाभिकीय पनडुब्बी यानी कि परमाणु ऊर्जा से संचालित वाली पनडुब्बी जैसे संवेदनशील तकनीक पर रूस जहां भारत का करीबी सहयोगी रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुरक्षित दूरी बरतता आया है। लेकिन विदेश मंत्री की ये यात्रा और पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को लेकर भारत की टेंशनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक रूस की तरफ से इतना कहा गया है कि भारत की चिंताओं से वाकिफ और पाकिस्तान के साथ उसका सहयोग मुख्यतः आतंकवाद निरोधी कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अन्य सूत्रों के मुताबिक रूसी खेमा ये बताने में जुटा था कि भारत के साथ उसके पुराने और गहरे रिश्तों का स्थान नहीं लिया जा सकता, यानी कि यहाँ पर रूस अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि जो बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच, उसमें रूस के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से कहा है कि रूस नए क्षेत्र के तौर पर परमाणु ऊर्जा के मोर्चों पर भी पाकिस्तान का सहयोग करना चाहता है। साथ ही रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस की सरकारी कंपनी रोसेटम पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ गैर ऊर्जा, नाभिकीय, मेडिसिन समेत नए क्षेत्रों में काम करने में दिलचस्पी रखती है। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए रूस ने लाहौर और कराची के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का वादा भी दोहराया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि 2015 में समझौता हो चुका है, इसके लिए जरूरी प्रोटोकॉल पर दस्तखत होते ही रूस नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी वाली इस पाइपलाइन का निर्माण शुरू कर देगा। वहीं रूस के साथ पाकिस्तान ने रूसी स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन को पहले से ही अपने देश में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस वैक्सीन के महंगे होने के बावजूद भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने स्पुतनिक टीके की तारीफें की कसीदे पड़े हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जहां 50 लाख स्पुतनिक डोज खरीदने का ऐलान किया, तो साथ ही इसके साझा उत्पादन के प्रस्ताव को भी मॉस्को को दे दिया है। आपको बता दें कि भारत ने अभी स्पुतनिक टीके को आपात इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं रूस ने स्पुतनिक के व्यापक उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी पेनेशिया से करीब 20 करोड़ डोज प्रतिवर्ष के उत्पादन का करार किया है। रूस की कोशिश भारतीय वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं के सहारे स्पुतनिक को वैश्विक बाजार तक अधिक रफ्तार से पहुंचाने की है।
तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जहां FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में रूस का समर्थन उसके लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम कर सकता है। और साथ ही हथियारों का मतलब साफ तौर पर यह है कि पाकिस्तान कभी भी हथियारों का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ करता है, और यही काम उसने अमेरिका के साथ भी किया, जहां अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने के लिए उसे हथियार मुहैया कराए, अपने F-16 विमान दिए, उनका इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ किया। तो साफ तौर पर जाहिर है कि रूस की पाकिस्तान की तरफ बढ़ती नजदीकी भारत के लिए एक बड़ी टेंशन तो है ही, साथ ही भारत ने भी अब ये बात समझ ली है कि अब रूस वो रूस नहीं रह गया है, इसीलिए भारत ने अपना झुकाव फ्रांस, इजराइल और अमेरिका की तरफ कर दिया है, जहां से भारत अत्याधुनिक हथियारों को ले रहा है। और ये खास बात है कि रूस को भी इस बात की टेंशन है कि भारत का ये झुकाव उसके लिए अच्छा नहीं है। भले ही भारत ने S-400 की डील क्यों ना की हो रशिया के साथ, जो कि सबसे महंगा हथियार समझौता है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ताकतवर बनाने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपके माइंड में अब क्लियर हो चुकी होंगी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दोस्ती रूस के साथ भारत को एक झटका देने की तैयारी है। हालांकि यहाँ पे नुकसान रूस को ही होने वाला है, क्योंकि आज के युग में कोई दोस्त दोस्त नहीं रहता, बल्कि सभी देश अपना स्वार्थ साझा करते हैं, और यही वजह है कि रूस ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों की दोस्ती के बारे में, और इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ सकता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।